हेलो जी, क्या हाल चाल बैकग्राउंड में चल रहा है। आपका दोस्त प्रत्युष सैनी फिर से नया दिन और लोगों का स्वागत। तो जी दोस्तों, यार इस वीडियो की सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हम चलेंगे पहाड़ों पे। यार यहाँ पे तो काफी ज्यादा गर्मी हो गई है। आज हम करेंगे बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक जो कि एक रेरी लेक का ट्रैक। वहां का जो वेदर होगा, जो ट्रैक में चलते चलते व्यू है यार, क्या ही बात है, सुकून है यार पूरा। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे क्रेरी विलेज की तरफ और वहां से होगा अपना ट्रैक शुरू। तो चलो यार चलते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे धर्मशाला और उसके बाद क्रेरी विलेज। तो यार आज हम जा रहे हैं स्कूटी पे, बिकॉज ना ट्रैक का सामान वगैरह भी साथ में लेके जाना था और वहाँ पे ना पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना स्कूटी लगाने के लिए। तो हमने स्कूटी लेके जाना सही समझा, सिलेंडर वगैरह भी लेके जा रहे हैं साथ में। तो चलो जी चलते हैं यार। और ऊपर आ गए हल्के हल्के से बादल, तो मतलब आज करेरी में वेदर होने वाला है काफ़ी प्यारा। ये है धर्मशाला का बस स्टैंड। अगर आप बस में आ रहे हो तो बस आपको यहाँ पे उतारेगी और यहाँ से आप कैब करके या स्कूटी और बाइक रेंट पे लेके जा सकते हो। हमने जाना है नीचे की तरफ चड़ी ग्रोव वाला जो रास्ता है। तो यार यहाँ से ना भी क्रेरी विलेज है 25 किलोमीटर, मैंने गूगल मैप पे चेक किया था। लंबड़ा हो ना छोरुआ जो, ओ ना छोरुआ जो ले आ समझाई कि बस चंद सीटी मार दे। तो जी यहाँ से लेना है हमने राइट टर्न। यहाँ से करेरी है सिर्फ 18 किलोमीटर। रोड की कंडीशन थोड़ी सी खराब है यार। तो चलो जी अब ना हम करेरी विलेज के क्लोज पहुंचने ही वाले हैं, बिकॉज रोड को देख के तो ऐसे ही लग रहा है जैसे यार रोड की हालात है। नहाने का मजा आ जाएगा वैसे। ये लोकेशन चेक करो यार आप, क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है यार ब्यूटी। वाह, हमने भी यार बस उस पहाड़ के क्लोज जाना है और बर्फ वाला पहाड़ बिल्कुल सामने होगा। तो वैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि कब हम करेरी विलेज पहुंचे और कब वहां से ट्रैक शुरू करें और इन हसीन वादियों में पहुंचे यार। सो गाइस, फाइनली वी रीच नोली ब्रिज। यहां पे आके आप अपनी गाड़ी स्कूटी वगैरह पार्क कर सकते हो, काफी लोगों ने यहां पे पार्किंग की हुई है। यहां से होगा अपना करेरी लेक का ट्रैक शुरू। यहाँ से क्रेरी लेक है सिर्फ 10 किलोमीटर। सबसे पहले आपको धर्मशाला से आना पड़ेगा क्रेरी विलेज और उसके बाद नोली ब्रिज। तो चलो जी अब चलते हैं, ले चलते हैं आपको क्रेरी लेक की हसीन वादियों में से प्यारे से ट्रैक में। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यार आपने अपने साथ ट्रैक में कैरी कर सकते हो एनर्जी ड्रिंक, जो कि आपको ना काफी ज्यादा हेल्प करेगी यार ट्रैक करने में। हमें तो काफी ज्यादा हेल्प कर रही है यार। तो दोस्तों यार थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद ना रास्ते में आपको काफी प्यारी लोकेशन मिलेगी, यहाँ पे रुक के आप फोटोज और वीडियोज वगैरह क्लिक कर सकते हो और साथ में यहाँ पे कैफे ना मैगी वगैरह एंजॉय कर सकते हो प्यारे से व्यू के साथ। तो चलो हम भी यहाँ पे एक दो फोटोज लेते हैं और फिर चलते हैं यार ऊपर की तरफ। चलते चलते ना आप यहाँ पे जो फ्रेश वाटर चला वो भी रिफिल कर सकते हो हमारी तरह, पहाड़ों पे आके पहाड़ों का पानी पियो यार। हमने बोटल्स रिफिल कर ली हैं। तो चलो फिर से चलते हैं यार ऊपर की तरफ, करते हैं इस प्यारी सी लोकेशन को बाय बाय। काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे हमने, रेस्ट भी होगी और फोटोज वीडियोज वगैरह भी आ गई, वो आपने वीडियो में देखी होंगी और बाकी आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ जाके भाई अपने को फॉलो करो यार। क्या माहौल है? खत्म है माहौल भाई, नहीं पहुंचा जाएगा, बहुत गंदा है, स्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया भाई। ट्रैक में ऐसे छोटे छोटे कैफेज भी मिलेंगे, यहाँ पे रुक के आप रेस्ट कर सकते हो, मैगी खा सकते हो। आपको पता ही पहाड़ों में सिर्फ मैगी और ऑमलेट मिलता है, हम तो हैं वेज तो मैगी ट्राई करते हैं। लेकिन
आज हम अपने सेंटर साथ में लाए हैं, कहीं ऊपर सेंटर पॉइंट में रुकेंगे और वहाँ बिना खुद मैगी बनाएंगे और आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों यार अभी हमने 3 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट किया और काफ़ी प्यारा व्यू शुरू हो गया और बादल आ चुके हैं, जो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, साथ में ना पानी की साउंड, ये है नज़ारे क्रेडी लेक ट्रैक के। वाह जी वाह, ट्रैक बेशक थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ऐसे व्यू देख के ना सारी थकावट ख़त्म हो जा रही है यार। जी वाह यार, क्या बात है, यहाँ पे नहाने का कितना मजा आएगा। अब तो यार बादल पूरे आ चुके हैं, पूरा मौसम खराब हो चुका है, बारिश लगने वाली है और हमारे पास रेनकोट भी नहीं है यार, देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों यार फाइनली हाफ ट्रैक जो अपना हो चुका है पूरा और मौसम देखो यार कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो यार हल्की हल्की ना बारिश भी लग पड़ी है। अब ऐसा करते हैं ना थोड़ा सा कहीं पे व्यू पॉइंट देखते हैं, सिलेंडर तो हमारे पास है ही है, वहाँ पे रुक के ना मैगी बनाते हैं, टाइम हो चुका है 4:30। तो यार यहाँ पे ब्रेक ली है इस पत्थर के नीचे, ये सिलेंडर अपना, यहाँ पे हम मैगी बनाएंगे। बारिश काफ़ी तेज, तो चलो यार पहले मैगी बनाते हैं।